वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। ये हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस के लिए एक 1000 जीके की सीरीज चालू की है, जिसमें ये पार्ट नंबर 4 है। तो शुरू करते हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। भारत का सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 ईस्वी में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार में। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें। संसार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री पर झुकी है? कितने अंश पर? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री पे झुकी है। भारत में मेट्रोमैन के नाम से कौन विख्यात है? ई श्रीधरन। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 ईस्वी में शामिल किया गया।
सांभर झील जिससे नमक बनता है वह किस राज्य में है? राजस्थान। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। सफेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? थाईलैंड। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा था। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयसी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार की खान कर्नाटक में है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? भारत का है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज अथवा 66 फुट। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम। ये हमारे 250 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट होते हैं, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोस बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।